आपके चैनल के माध्यम से मैं समाज को एक मैसेज देना चाहती हूँ कि जो हमारी प्रेजेंट एजुकेशन सिस्टम है, शिक्षा पद्धति है, उसकी एक बहुत बड़ी कमी है। हमने एक सोशल प्रेशर बच्चों पे बना लिया है कि जैसे उनके 9th-10th में मार्क्स आते हैं उसके हिसाब से उनका सब्जेक्ट डिसाइड होता है। जैसे बच्चों के अगर 85% से ऊपर मार्क्स आ रहा है तो हम उनको कह रहे हैं कि आप साइंस मैथ्स लीजिए। जिन बच्चों के 70 से ऊपर मार्क्स आ रहे हैं तो हम कहते हैं आप साइंस बायो लीजिए। जिनका 60 से 70% आ रहा है तो हम कहते हैं कि आप कॉमर्स लीजिए। और जिनके सबसे कम मार्क्स हैं तो हम उनको कहते हैं तुम किसी लायक नहीं हो, तुम आर्ट्स सब्जेक्ट्स ले लो। और जब बच्चा ग्रेजुएशन करके निकलता है और जब वो सरकारी नौकरी की तैयारी करता है तब उसे समझ में आता है कि जो सब्जेक्ट उसने लिया है वो तो बिल्कुल गलत है। मान लो अगर आप RS की तैयारी कर रहे हैं, IAS की तैयारी कर रहे हैं या NDA, CDS किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें आर्ट्स सब्जेक्ट्स का बहुत इंपॉर्टेंस है। लेकिन पहले हमें उसे डिग्रेड किया जाता है कि हमें आर्ट्स सब्जेक्ट पढ़ने की ज़रूरत नहीं है या जो आर्ट्स सब्जेक्ट पढ़ता है वो तो बच्चा बेवकूफ़ है या फिर कमज़ोर बच्चे हैं वो ये सब्जेक्ट पढ़ते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है। बच्चों को राइट गाइडेंस एट राइट टाइम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और सही समय पे बच्चों को 9th और 10th क्लास में ये गाइडेंस दी जानी चाहिए कि आप किस फील्ड में आगे जाना चाह रहे हैं उस हिसाब से सब्जेक्ट चुनें, अपने मार्क्स के हिसाब से सब्जेक्ट नहीं चुनिए। अगर आपको एडमिनिस्ट्रेशन में जाना है तो आर्ट्स पेपर ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी, इको, ये चार पेपर ऐसे हैं कि इस पर अगर किसी भी बच्चे का कमांड है तो वो RS या IAS जैसे बड़े एग्जाम्स को बहुत ईजिली निकाल सकता है। लेकिन हमारा जो प्रेजेंट एजुकेशन सिस्टम है, हमने बच्चों को इतना प्रेशराइज कर दिया है कि आप ग्रेजुएशन साइंस मैथ्स या साइंस बायो से करेंगे तो आपकी वैल्यू है और अगर आर्ट्स से करेंगे तो वैल्यू नहीं है। अब आप सोचिए, हमने ग्रेजुएशन के 4-5 साल निकाल दिए, 12th, 10th के बाद 2 साल वो और 3 साल ग्रेजुएशन के निकाल दिए। उसके बाद हम सोचते हैं कि एग्ज़ाम की तैयारी करें तो 5 साल पीछे तो हम वैसे ही हो गए। अगर बच्चे को सही समय पे गाइडेंस मिले कि हमें RS की तैयारी करनी है तो सही समय 10th क्लास है, उसी हिसाब से वो सब्जेक्ट्स ले, ना कि 10th में आए हुए मार्क्स के हिसाब से अपने सब्जेक्ट्स ले। तो आप सोचिए, 5 साल जब वो 9th-10th कर रहा है उसके साथ वो जो ग्रेजुएशन कर रहा है उसी समय में वो अपनी तैयारी करता जाए उस एग्ज़ाम की जिसके लिए वो आगे जाना चाहता है, तो इन 5 सालों में वो बहुत अच्छे से उस एग्जाम की तैयारी करके पहले अटेम्प्ट में एग्जाम निकाल सकता है। लेकिन अभी क्या हो रहा है, ग्रेजुएशन करने के बाद बच्चा ये सोचता है कि अब हमें इस एग्जाम की तैयारी करनी है और तब उसे पता चलता है कि जो सब्जेक्ट्स उसने पढ़े हैं वो तो कहीं काम ही नहीं आ रहे हैं। तो ये 5 साल तो बच्चे का नुकसान हो गया ना। तो हमारा फ्रंटलाइन कोचिंग इस दिशा में भी आगे काम कर रहा है कि हम बच्चों को सही समय पे सही गाइडेंस दें ताकि उनके ये जो 5 साल हैं उनको वो सही से उपयोग करके जिस भी फील्ड में वो जाना चाहे उस फील्ड में हम उनको गाइडेंस देंगे। इससे क्या होगा, उनका वह समय बर्बाद नहीं होगा। जो भी बच्चे सरकारी नौकरी की तैयारी करना चाहते हैं उनको एक बेसिक गाइडेंस मैं देना चाहती हूँ कि वो अपने घर पर ही प्रिपरेशन कैसे शुरू करें। बच्चा जब 11th क्लास में आ रहा है तभी से उसको इन एग्ज़ाम्स की तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। उसमें बच्चों को किसी भी सरकारी नौकरी में जनरल स्टडीज़ का पेपर आता है और उसके लिए 4 सब्जेक्ट्स पे बच्चों का कमांड होना जरूरी है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी और इको। तो इनकी जो NCERT बुक्स हैं 9th, 10th, 11th और 12th, इन 4 क्लास की NCERT बुक्स को बच्चों को ध्यान से पढ़ना शुरू कर देना चाहिए। ये अगर बच्चों का इन NCERT बुक्स पर स्ट्रॉन्ग कमांड है तो ये पूरे RAS और IAS एग्ज़ाम की एक बहुत मजबूत नींव बना देंगे। उसके बाद बच्चों को सिंपल गाइडेंस की ज़रूरत है और मात्र 1 साल की तैयारी में ही वो IAS या RAS जैसे बड़े एग्ज़ाम निकाल सकते हैं। तो NCERT बुक्स ही हर एग्ज़ाम का बेस है। आप मार्केट में जाएंगे आपको बहुत सारी रिफ्रेशर बुक्स मिलेंगी, बहुत कॉस्टली बुक्स मिलेंगी, लेकिन उन सब का मैटर जो है वो सारा NCERT बुक से ही लिया गया है। तो 10 किताबों की तरफ भागने की बजाय हमें सिर्फ उन NCERTs की बेसिक बुक्स को फोकस करना है, 4 क्लास की, 9th, 10th, 11th और 12th। और जो सब्जेक्ट्स आपको फोकस करने हैं वो ये 4 टॉपिक्स हैं, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी और इको। अगर एक बच्चे का इन 4 सब्जेक्ट्स पे बेसिक कमांड है और ये 4 बुक्स पर, 4 क्लास की जो बुक्स हैं उस पर बेसिक कमांड है तो वो किसी भी एग्जाम में नहीं रुकेगा, उसके बेसिक कॉन्सेप्ट्स अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। उसके बाद उसको मात्र 1 साल की तैयारी और करनी पड़ेगी और वो एक ही अटेम्प्ट में RAS या IAS जैसे एग्जाम निकाल सकते हैं। इसकी मैं गारंटी देती हूँ क्योंकि जितने भी रिफ्रेशर बुक्स बनी हैं वो सब NCERT बुक से ही बनी है। तो जो
स्टार्टिंग पॉइंट है। और जो बच्चे कोचिंग भी ज्वाइन करते हैं उनके लिए भी एक संदेश है कि जैसे बच्चे को ABCD भी उस सब्जेक्ट की पता नहीं है और वो कोचिंग में आके बैठ जाते हैं तो उन्हें समझ में नहीं आता कि हम क्या पढ़ाई कर रहे हैं, क्योंकि लेवल थोड़ा हाई होता है। तो बच्चों को थोड़ा सा एक बेस बनाना चाहिए NCERT बुक से, जिससे कि वो क्लास में जब बैठे तो टीचर से भी कनेक्ट कर सके कि वो टीचर उनको क्या समझाने की कोशिश कर रहा है। तो ये बेसिक टिप्स अगर ले बच्चा 11th क्लास, 12th क्लास, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, 5 साल इन बेसिक NCERT बुक्स पे फोकस कर ले तो ये IAS का फाउंडेशन कोर्स तैयार करता है। और उसके बाद 1 साल फ्रंटलाइन कोचिंग की सिर्फ गाइडेंस दे दे, बच्चा हमें 1 साल दे दे, ये हम लोगों की गारंटी है कि हम उनका IAS या RS जैसे एग्जाम्स में सेलेक्शन करवा देंगे।